हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मॉडिफाइड लॉकडाउन, बाजार में भीड़ ना हो हम सबकी जिम्मेदारी। सुबह 6 बजे से 11 बजे बाजार खुलेगा। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा, बाजार अनलॉक ही रहे। SDM ने बैठक लेकर शहर को 6 जोन में बांट, गाइडलाइन की पालना करवाने व्यापारियों को भी जोड़ा, सभी ने सहयोग का किया वादा। राज्य सरकार की ओर से बुधवार से लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालन में नगर पालिका सभाकर में उपखंड अधिकारी अजय चरण ने विभिन्न व्यापारिक संगठना के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए SDM ने व्यापारियों को मॉडिफाइड लॉकडाउन में कारोबार शुरू करने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि सुमेरपुर का मार्केट बड़ा है, सरकार भी चाहती है कि व्यापार बंद ना रहे। यदि हमने यह सप्ताह कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन स्वयं व औरों से करवाते हुए अच्छी तरह निकाल दिया तो हो सकता है सरकार बाजार खुलने का समय बढ़ा दे। इस कार्य में आप लोग भी सहयोग कर इस कोरोना रूपी महामारी से बाहर निकलने में सहयोग प्रदान करें। अंततः में व्यापारियों ने भी प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने पूरे मार्केट को 6 जोन में बांटकर इसमें व्यापारियों को भी जोड़ा ताकि गाइडलाइन की सख्ती से पालना हो सके। SBU पर्वत सिंह राठौर ने बताया कि कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, यह बात गोपनीय रखी जाएगी जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती। उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्वारंटीन किया जाएगा। बैठक में SI यशवंत परिहार व विपिन देवल, SEO ओम प्रकाश, JN आशीष नांगल, कुलदीप मेहरा, SBU पर्वत सिंह राठौर, JT सदस्य विक्रम सिंह देवड़ा, प्रवीण दवे, विजय सिंह गुज्जर, गिरीश कुमार, मदन परिहार, व्यापारी श्रवण राठी, मूलचंद माली, नटवर रामीणा, जोधराज देवड़ा, चंपालाल रावल, मोहन लाल, कांतिलाल कुमावत, नरपत कुमार, सज्जन राज, राजेंद्र गोयल, राजेंद्र लालवनी आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।